गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी लाइट, मेकिंग योर स्टडी लाइटर एंड ईजियर। आज हम करेंगे क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, लैंड सॉयल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को डिटेल में हम अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, तो आज हम इसका क्विक रिकैप करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें लैंड। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा लैंड एरिया है वो एक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। अगर हमारे पास लैंड एरिया नहीं होगा तो हम कैसे एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि हमको रहने के लिए, खाना उगाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए, अपना कोई भी काम करने के लिए हमें लैंड एरिया की ज़रूरत होती है। हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी में सिर्फ 30% ही है हमारे पास लैंड एरिया, बाकी जो 70% है वो सारा किसी न किसी रूप में पानी से ढका हुआ है, चाहे वो महासागर हैं, समंदर हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, चाहे कुछ भी है। और उस 30% का भी कुछ परसेंटेज ही है जो कि हैबिटेबल है, यानी कि रहने के लायक है। बाकी जितना भी हमारे पास जो एरिया है, या तो वो पहाड़ है, या वो बंजर पड़ा है, या रेगिस्तान है, किसी भी तरह से ऐसा एरिया है वो जो कि हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं है। इसीलिए जितना भी जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अनइवन है हमारी पृथ्वी पर, क्योंकि जो एरिया बहुत ज़्यादा अच्छे फर्टाइल है, जहाँ पर फसल बहुत अच्छी होती है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। और जहाँ पर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होता है, जो डेजर्ट इलाके हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है वर्ल्ड में। जैसे कि हम यहाँ देख भी रहे हैं, 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 30% लैंड एरिया पर ही है। यानी कि जो टोटल हमारे पास लैंड एरिया है उसके भी सिर्फ 30% लैंड एरिया पर 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन बसती है। 30% एरिया में ही वर्ल्ड की ज़्यादातर पॉपुलेशन क्यों रहती है? वो रीज़न है उस पर्टिकुलर एरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उस पर्टिकुलर लैंड एरिया में जो ज़मीन है वो कितनी फर्टाइल है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर कितनी अच्छी ग्रोथ है पेड़ पौधों की, वहाँ का जो पानी की सप्लाई है वो कैसी है, इन सब चीज़ों को देखते हुए ही कहीं पर भी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है और कहीं पर पॉपुलेशन कम है। अब हम देखते हैं लैंड यूज़। तो जो लैंड एरिया है उसके अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग पर्पजेज हैं लैंड एरिया को इस्तेमाल करने के, जैसे एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। तो बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से हम अपने लैंड एरिया का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो लैंड एरिया है वो हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करने के रीजंस क्या है, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हमने किस पर्टिकुलर एरिया को किस रूप में इस्तेमाल करना है। वो है टोपोग्राफी, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया का जो लैंड फॉर्म है किस तरह का है, वहाँ की सॉइल कैसी है, और उस लैंड एरिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वहाँ पर पाए जाने वाले मिनरल्स कैसे हैं, या अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं माइनिंग के हिसाब से तो हम वहाँ पर माइनिंग करेंगे, लेकिन अगर वहाँ की जो ज़मीन है वो मिनरल से भरपूर है, यानी कि फर्टाइल है, तो वहाँ पर हम अच्छी खेती बाड़ी कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर किस तरह का है वहाँ पर, इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए ही किसी भी पर्टिकुलर एरिया को हम यूज़ करते हैं कि किस पर्पज़ के लिए हमने उस एरिया का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसी है वहाँ पर। अगर कोई एक ऐसा एरिया है जो शहरों के नज़दीक है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ हम लैंड एरिया को दो रूपों में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है प्राइवेट और एक है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड वो होता है जो हमारा बिल्कुल पर्सनल होता है, चाहे हमारे पर्सनल घर हो, हमारी पर्सनल फैक्ट्री हो, हमारा पर्सनल अगर हमने कुछ भी बिजनेस खोल रखा है उसका ऑफिस हो, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे पर्सनल या कहें कि प्राइवेट लैंड एरिया में। लेकिन जो कम्युनिटी लैंड होते हैं वो होते हैं पूरी कम्युनिटी के, यानी कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जो किसी एक गांव का है, और उस पर्टिकुलर एरिया में जितना भी अगर कोई खाना उगेगा तो वो पूरे उस कम्युनिटी का होगा, वहाँ पर जो भी लकड़ी होगी वो उस कम्युनिटी के लिए होगी, या वहाँ पर जो भी ग्रोथ होगी या जो भी डेवलपमेंट होगी वो पूरी कम्युनिटी मिलकर उसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं लैंड एरिया को, प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड में। तो हमारा जो लैंड एरिया है उसके जो मेजर थ्रेट्स हैं वो क्या है, जैसे लैंड डिग्रेडेशन, उसके बाद लैंड स्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ये सारे जितने भी मेजर थ्रेट हैं वो हमने डिटेल में पढ़ लिए थे। इन सब के मीनिंग भी आप जानते हैं, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड का ख़राब हो जाना, लैंड स्लाइड्स
जैसे बहुत ज़्यादा अगर बारिश आ रही है तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, सॉइल इरोजन भी बारिश की वजह से ही होती है, डेजर्टिफिकेशन यानी कि बहुत ज़्यादा अगर हम जंगलों की कटाई कर देते हैं तो वो एरिया डेजर्ट में बदल जाता है। एग्रीकल्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो हम बहुत बार जंगलों को काट कर वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड बना देते हैं, जिसकी वजह से भी जो उस पर्टिकुलर लैंड एरिया का जो सॉइल है वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, अगर हम बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो उससे भी हमारा एक थ्रेट है लैंड के लिए कि हम बहुत ज़्यादा लैंड एरिया को कवर कर रहे हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगलों की कटाई की वजह से भी जो हमारा लैंड है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, भूमि जो है हमारी वो ख़राब हो रही है। हमने देखा कि लैंड के लिए बहुत सारे हमारे पास रीजंस है जिनकी वजह से जो हमारा लैंड एरिया है वो ख़राब होता जा रहा है। अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कि हमें पता है कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो हमारा लैंड एरिया है वो ख़राब हो रहा है, लेकिन हमने उसको बचा के रखना है। तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहला तो हमारा है कि हम जितना भी अपना लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसको चेक में रखें कि कहाँ पर जो हमारा लैंड एरिया है वो ज़्यादा ख़राब हो रहा है और क्या रीजंस हैं उसके ख़राब होने के, तो हम उन रीजंस को ख़त्म करें या कम से कम करने की कोशिश करें। उसके बाद है अफॉरेस्टेशन, यानी कि जितना भी हमने जंगलों को काटा है, अब उन एरियाज़ में हमने जहाँ जंगल काट लिए हैं वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन कर लिया है या उसे कुछ अपना एग्रीकल्चर लैंड बना लिया है, वहाँ से तो हमने जंगल ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन किसी और पार्ट में हम उतने ही पेड़ लगाएं जितने कि हमने पेड़ काटे हैं, तो जिससे क्या होगा, अफॉरेस्टेशन यानी कि हमारे जो जंगल हम ख़त्म करते जा रहे हैं वो कहीं दूसरी जगह पर बनना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा है लैंड रिक्लेमेशन, यानी कि जो लैंड एरिया है जो हम अपना इस्तेमाल कर रहे हैं या जो सॉइल इरोजन की वजह से ख़त्म होता जा रहा है उस लैंड एरिया को दोबारा बनाना है। लैंड रिक्लेमेशन का मतलब ही होता है कि नए लैंड एरियाज़ को बनाना। आज हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फाइन हो गई है कि समुद्रों में से मिट्टी निकाल निकाल कर लैंड एरिया को बनाते हैं, यानी कि नई भूमि का निर्माण करना। रेगुलेट यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि जितने भी हम केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं अपने खेतों में, उन सबको रेगुलेट करना, उनको ध्यान में रखना कि हमने हद से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स नहीं इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि इससे जो फर्टिलिटी रेट है भूमि का, ज़मीन का, वो कम हो जाता है। उसके बाद हमने ये भी देखना है कि ओवर ग्रेजिंग कहीं पर भी ना हो। अगर हम किसी एरिया में देखते हैं बहुत ज़्यादा घास है और हम सोचते हैं अपने अगर हम जानवरों को यहाँ छोड़ देते हैं ये तो नेचुरल ही है, इसका क्या बिगड़ना है, तो ऐसा नहीं है। तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी डेजर्टिफिकेशन शुरू हो जाता है और सॉइल इरोजन शुरू हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिनको इस्तेमाल करके हम अपने लैंड एरिया को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉइल। अब सॉइल हमें पता है क्या होती है, जो हमारी ज़मीन है उसकी जो टॉप मोस्ट एक लेयर है, बहुत बारीक सी एक लेयर होती है, उसे हम कहते हैं सॉइल। और ये सॉइल ही है जहाँ पर कि हम अपने घर बनाकर रहते हैं, हम अपने ज़मीन पर पैर रखते हैं, हम अपने स्कूल, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज बनाते हैं, साथ ही साथ जो हमारा एग्रीकल्चर एरिया है वो सब भी सॉइल ही है। ये बनी होती है एक बहुत ही ऑर्गेनिक मैटर से और उसमें मिनरल्स भी शामिल होते हैं और वेदर्ड रॉक्स भी शामिल होती हैं। जितना भी जो हमारे मिनरल्स हैं या जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, इनका जो मिक्सचर है वही किसी भी पर्टिकुलर सॉइल की फर्टिलिटी रेट को बताते हैं। अगर मान लीजिए किसी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है तो वो जाहिर सी बात है सॉइल बहुत अच्छे से फर्टाइल होगी। और अगर किसी सॉइल में मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर मान लीजिए किसी में ऐसी सॉइल है जिसमें कि इतने ज़्यादा मिनरल्स हैं कि वहाँ पर हम अपना कोई पौधा उगा ही नहीं सकते, तो वो एरिया फिर हमारे लिए माइनिंग के काम आएगा। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल से डिसाइड करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के सॉइल की फर्टिलिटी को। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि हज़ारों हज़ार साल लगते हैं 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में, यानी कि हमारे लिए सॉइल कितनी इम्पॉर्टेंट है और हमें इसे प्रिजर्व करके संभाल के रखना भी कितना ज़रूरी है, वो इसी से पता लग जाता है कि एक छोटा सा टुकड़ा सॉइल का बनने में कितना लंबा समय लगता है। अब हम देखते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? सॉइल प्रोफाइल है कि जो सॉइल है वो स्टेप बाय स्टेप कैसी है। सबसे पहले हम देखते हैं पेरेंट रॉक, यानी कि वो रॉक्स जिसके ऊपर की हमारी सॉइल एक्चुअल में टिकी हुई है, ये उसे हम कहते हैं पेरेंट रॉक। उसके बाद आती है सेकंड नंबर पर, ये हम बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे नीचे है पेरेंट रॉक। उसके बाद है वेदर्ड रॉक मटेरियल, यानी कि उन चट्टानों का चूरा जो कि मौसम की मार की वजह से पिस गई हैं और उसकी जो एक लेयर है वो पेरेंट रॉक के ऊपर बिछ गई है, ये है वेदर्ड रॉक। उसके बाद हमारे पास आता है सब सॉइल, जिसमें कि सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, वो सारी चीज़ें हमारी इस सब सॉइल में आती है, यानी कि सॉइल की निचली तह है।
उसके बाद है टॉप सॉयल, जिसमें कि ह्यूमस होता है, जिसमें कि हमारा पूरा वेजिटेशन होता है, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम खेती बाड़ी करते हैं। तो ये हमारी चार लेयर्स हैं हमारे सॉयल प्रोफाइल में, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉयल फॉर्मेशन, कि हमारी जो सॉयल है वो किस तरह से या कैसे बनी हुई है। तो इसमें जो सबसे पहला मेजर फैक्टर है वो है पेरेंट रॉक और क्लाइमेट। अगर जो पेरेंट रॉक है वो सख्त है तो इसका मतलब जो उस एरिया की सॉयल है वो भी सख्त होगी। दूसरा, अगर वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, या कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, या कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस हिसाब से भी उस एरिया की जो पेरेंट रॉक्स होती है वो होती हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी, जैसे टोपोग्राफी, कि किसी एरिया की जो पर्टिकुलर सॉयल है वो कैसी होगी, वो डिपेंड करती है वहाँ की टोपोग्राफी पे। यानी कि अगर वो जो लैंड एरिया है वो पहाड़ी है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर पानी का स्लोप बहुत अच्छा होगा, ग्रीन वेजिटेशन भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ की टोपोग्राफी डेजर्ट है, तो वहाँ पर जो सॉयल की फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी नहीं, कि वहाँ पर रेत ही रेत होगा। दूसरा, हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो किस तरह का है। ऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स, अगर मान लीजिए हम देखते हैं कोई ऐसा एरिया जहाँ पर कभी जंगल थे, और वहीं पर जंगलों में से जो जंगल के जो पेड़ थे सूख के वहाँ पर गिरते रहे, और वो उसमें शामिल होते रहे सॉयल में, पिस पिस कर मौसम के साथ हज़ारों हज़ार साल में वो मटेरियल जो थे वो उसमें मिल गए सॉयल में, तो जाहिर सी बात है वहाँ की सॉयल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी। और जो भी मटेरियल हमारे सॉयल में मिलता जाता है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं या डेड एनिमल्स हैं, कुछ भी है, उसे हम ऑर्गेनिक मटेरियल में ही काउंट करते हैं। और जितना भी हमारे जो सॉयल है उसको बनने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, ये भी हम जानते हैं। और जितना ज़्यादा लंबा टाइम किसी भी सॉयल को बनने में लगा है, इसका मतलब उस सॉयल का फर्टिलिटी रेट भी उसके हिसाब से ही होगा। अब हम देखते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अब हम जानते हैं कि सॉयल के डिग्रेडेशन के तो बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ नेचुरल रीजंस हैं, कुछ ह्यूमन मेड हैं। अब सॉयल इरोजन जैसे कि हम जानते हैं होता ही है, चाहे वो नेचुरली हो या इंसानों की गलतियों की वजह से हो। नेचुरल यानी कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गई है तो इसका मतलब सॉयल इरोजन होने के चांसेस ज़्यादा है। और उसमें ह्यूमन रीज़न क्या है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा पेड़ काट दिए हैं तो और वहाँ पर बारिश हुई, तो इसका मतलब वहाँ पर सॉयल इरोजन होगा ही होगा। तो सॉयल इरोजन और डेप्लेशन मीन्स वही होता है कि सॉयल का बह जाना, चाहे वो ह्यूमन रीज़न हो चाहे नेचुरल फैक्टर्स हो। उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलों की कटाई, ओवर ग्रेजिंग, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा चरने के लिए जानवरों को छोड़ देना। उसके बाद है ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा अगर हमने केमिकल्स का, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का अगर इस्तेमाल कर लिया है तो वो सॉयल वैसे भी ख़राब हो ही जाती है। रेन वॉश की वजह से पानी में अगर ऊपर की हमारी एक टॉप मोस्ट लेयर बह जाती है पृथ्वी की, तो इसका मतलब वो सॉयल इरोजन ही है। उसके बाद लैंडस्लाइड्स, लगातार अगर बहुत लंबे समय तक कहीं पहाड़ों में बारिश हो रही है तो उसकी वजह से जो चट्टानें हैं वो खिसक जाती हैं और गिर जाती हैं, जिसकी वजह से भी जो हमारी सॉयल है वो ख़राब हो जाती है। इसके अलावा फ्लड्स हैं, जिससे जैसे बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा कहीं बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, तो वह जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर है उसको अपने साथ बहाकर ले जाती है, यानी कि जितना भी फर्टाइल पार्ट था वो अपने साथ बहाकर ले जाती है। तो ये सारे रीजंस हैं हमारे सॉयल डिग्रेडेशन के। अब हम देखते हैं कंजर्वेशन के क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, यानी कि किस तरह से हम अपने सॉयल को ख़राब होने से, ख़त्म होने से, बर्बाद होने से बचा सकते हैं। इसमें सबसे पहले है मल्चिंग। मल्चिंग यानी कि जब हम पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो उन दो पौधों के बीच में जो खाली सरफेस बचता है उस एरियाज़ में कुछ ऑर्गेनिक मैटर डाल देना, चाहे वो हम सूखे तिनके ही क्यों ना डाल दें। इससे होता क्या है कि अगर बारिश होती है तो सबसे पहले तो वहाँ की जो सॉयल है वो फ्लश आउट नहीं होगी, बहेगी नहीं। और दूसरा ये है कि जो हमने वहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल डाला है वो उस बारिश को सोख लेता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया की जो सॉयल है उसका जो मॉइस्चर है वो बना रहता है। दूसरा है कॉन्टोर बैरियर्स, यानी कि अगर मान लीजिए कहीं स्लोप वाला इलाका है तो वहाँ पर स्लोप के साथ साथ स्टोन या ग्रास लगा देना, जिससे कि जो बारिश है उसका पानी एकदम से ना बहे। तो उनको कुछ ट्रेंचेज यानी कि कुछ नालियाँ मिल जाती हैं जिससे पानी रुक रुक कर बहता है, तो सॉयल इरोजन नहीं होता है। उसके बाद है रॉक डैम्स। रॉक डैम भी वही होता है कि किनारों पर आप रॉक्स को लगा दीजिए इकट्ठा करके, तो पानी एक साथ नहीं बहेगा एकदम स्पीड के साथ, और अगर पानी वहाँ से बहता भी है तो वो उस डैम के पास आकर ठहर जाएगा, जिससे क्या होगा कि वहाँ पर जो सॉयल इरोज होकर आई है वो उसमें इकट्ठी हो जाएगी, और जब पानी हल्के से निकल जाए तो उस सॉयल को दोबारा किसी भी एरिया में या खेतों में दोबारा फैला सकते हैं।
उसके बाद है टेरेस फार्मिंग। ज़्यादातर जितने भी हमारे पास पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर टेरेस फार्मिंग ही होती है, यानी कि सीढ़ी नुमा खेत। इससे भी सॉयल इरोजन नहीं होता है और पानी स्पीड से नहीं बह पाता है और पूरे जो क्रॉप है उसको हल्का हल्का पानी मिलता रहता है। उसके बाद है इंटरक्रॉपिंग, यानी कि एक ही एरिया में दो तरह की फसल लगाना, दो अलग अलग तरह की रॉ बना देना और उनमें अल्टरनेट अलग अलग फसल लगाना। इससे होता क्या है कि अगर किसी फसल को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है तो अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो वो फसल उस पानी को सोख लेती है और जो दूसरी फसल है वो ख़राब नहीं होती, साथ ही साथ इससे सॉयल इरोजन भी नहीं होता है। फिर है कॉन्टोर प्लोइंग। कॉन्टोर प्लोइंग भी हमने जैसे ऊपर देखा कॉन्टोर बैरियर्स हमने बनाए थे, उसी तरह से कॉन्टोर प्लोइंग भी होता है कि पैरेलल हमने फसल को उगाना है ताकि जो पानी है जब बारिश का बहता है तो सीधा ना बह के धीरे धीरे स्लोप में बहे, जिससे सॉयल इरोजन नहीं होगा। उसके बाद है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स का भी हम जानते हैं ये ज़्यादातर सूखे इलाकों में लगाया जाता है। ये एक बहुत सारी ट्रीज़ की रो होती है, यानी कि एक लाइन में बहुत सारे पेड़ लगा देना, जिससे जब हवा चलती है तो खेत की मिट्टी को उड़ा के नहीं ले जा पाती, क्योंकि ये जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं उस हवा के बहाव को रोक लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वाटर। वाटर हम जानते हैं कि एक बहुत ही हमारे लिए असेंशियल रिसोर्स है, पानी के बिना हम बिल्कुल नहीं रह सकते और ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। हमारे पृथ्वी पर जो 3/4 एरिया है वो पानी से ढका हुआ है, यानी कि 70% हमारे पास पानी है और 30% ही हमारे पास लैंड एरिया है। इसीलिए हमारे पृथ्वी को वाटर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी हमारे ओशंस हैं उनका पानी हम जानते हैं सलाइन है, यानी कि नमकीन पानी है, वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। और जो फ्रेश वाटर है वो भी हम जानते हैं कि सिर्फ 2.7% ही अवेलेबल है हमारे इस्तेमाल के लिए। यानी कि जो हमारे पास हम कहते हैं कि वाटर प्लैनेट है, हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सारा का सारा पानी बहुत ज़्यादा नमकीन है, उसे हम अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। और जितना हमारे पास 2.7% जो फ्रेश वाटर है उसका भी 70% पानी हमारे जितने भी आइस शीट्स हैं या जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनके रूप में हमारे पास है, चाहे वो अंटार्कटिका में हो, ग्रीनलैंड में हो या जितने भी हमारे माउंटेन रीजन्स हैं, वहाँ पर 70% बर्फ़ के रूप में हमें वो पानी मिलता है। यानी कि 2.7% का भी सिर्फ 30% पानी है जो कि पूरी जितना भी हमारा लैंड एरिया में जो पॉपुलेशन है उनके लिए इस्तेमाल के लिए अवेलेबल है। अब जितने भी हमारे ग्लेशियर्स हैं, चाहे वो अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है या जो हमारे माउंटेन रीजन्स हैं, वहाँ पर से तो हम अपना डेली अपने इस्तेमाल के लिए फ्रेश बर्फ़ को ला नहीं सकते अपने पास, तो ऐसे में जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है हमारे पास। इससे भी पता लगता है कि पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कितना कीमती है हमारे लिए। तो हमारे पास सिर्फ 1% ही फ्रेश वाटर अवेलेबल है अपने इस्तेमाल के लिए। अब जितना भी हमारे पास जो पानी अवेलेबल है पृथ्वी पर, हम जानते हैं ना तो हम उसे घटा सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं। और जो हमारा पानी है वो कॉन्स्टेंट मोशन में रहता है, यानी कि हमेशा ही वो मूवमेंट में रहता है, जिसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। यानी कि सबसे पहले ओशंस में, ओशन से फिर वो इवापोरेट होके एयर में, एयर से फिर पानी के रूप में बरस कर लैंड एरिया में, और लैंड एरिया से बहकर वापस ओशंस में यानी कि सागरों में। तो इस कांस्टेंट मोशन में हमारा जो पानी है वो हमेशा ही रहता है, इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। और इसमें इसको अगर हम टेक्निकल भाषा में कहें तो यानी कि इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। इवेपोरेशन मीन्स पानी का भाप बनकर उड़ना यानी कि बादल बनना, प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश होना यानी कि दोबारा पानी की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर आ जाना, एंड रन ऑफ, रन ऑफ यानी कि बहकर दोबारा समंदर में चला जाना। और ये पूरा ही जो एक सर्कल है उसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है पृथ्वी पर वो हर जगह सेम नहीं है। कहीं पर पानी हम देखते हैं ग्लेशियर के रूप में बहुत ज़्यादा है, और कहीं ऐसे रीजन्स हैं वर्ल्ड में जहाँ की पानी की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है, यानी कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जो कि क्लाइमेटिक जोन में आती हैं, तो वहाँ पर जो पानी की कमी है वो हमें हमेशा ही देखने को मिलती है। वहाँ पर कभी सूखा पड़ रहा है, कभी पानी की कमी है, तो पानी की जो स्कार्सिटी है वहाँ पर हमें हमेशा देखने को मिलती है, क्योंकि जो ये रीजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई रीजन्स हैं। यहाँ पर बारिश का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। कभी कभी हम देखते हैं कि जो पानी की शॉर्टेज होती है वो सीज़न की वजह से होती है। अगर मान लीजिए किसी सीज़न में बारिश बहुत अच्छी हुई है तो पानी बहुत ईजीली अवेलेबल होता है, लेकिन अगर किसी सीज़न में बारिश ज़्यादा नहीं हुई है तो उस सीज़न में हमें पानी की स्कार्सिटी या पानी की प्रॉब्लम्स उस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलती है। और कई बार ये होता है कि जो हम पानी की जो अवेलेबिलिटी में कमी देखते हैं
वो हमारे अपने गलतियों की वजह से भी होती है। कि अगर मान लीजिए हमने जो पानी है उसको हमने बहुत ज़्यादा उसका मिसयूज़ कर लिया, एक बार अगर पानी का कोई टैप लीक हो रहा है तो उसमें पानी बहता रहता है और पूरी टैंकी खाली हो जाती है और फिर ये ब्लेम किया जाता है कि पानी नहीं अवेलेबल है, पानी नहीं आ रहा है। तो कई बार ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी हमें वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलती है। और इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि जो पानी हमारा अवेलेबल है फ्रेश वाटर, चाहे वो रिवर्स में है, चाहे लेक्स में है, पॉन्ड्स में है, जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है हमारे पास, कई बार वो बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया जाता है। जब हम देखते हैं कि फैक्ट्रीज़ का पॉल्यूटेड जितना भी वेस्ट होता है वो सारा नदियों में बहा दिया जाता है, तो जो पानी हमारे पास अवेलेबल है अपने इस्तेमाल के लिए वो तो हमने गंदा कर दिया। तो ऐसे में हम उस गंदे पानी का कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जो पानी की प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं, कि या तो हम उसका ओवर यूज़ कर लेते हैं, या हम फ्रेश वाटर उसको गंदा कर देते हैं, या हमारे पास बारिश की कमी होती है, या फिर कभी कभार हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, कंट्रीज़ ऐसी हैं जो क्लाइमेटिक जोन में आती हैं जहाँ की बारिश होती ही कम है, तो वहाँ पर हमें ड्रॉट वगैरह देखने को मिलता है। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें पानी की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, फ्रेश वाटर के जो सोर्सेज हैं जो लगातार घटते जा रहे हैं, हमें उनको ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम देखते हैं रीजंस ऑफ कंटेमिनेशन, यानी कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से कि पानी गंदा हो रहा है। सबसे पहले तो हमने वही देखा कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है फैक्ट्रीज़ का या इंडस्ट्रीज़ का या नालियों का भी अगर हम कहें, तो वो सारा का सारा रिवर्स में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से कि जो हमारा वाटर सोर्सेज हैं वो गंदे होते जा रहे हैं। दूसरा है एग्रीकल्चरल केमिकल्स, यानी कि हम जितना भी स्प्रे वगैरह अपने खेतों में डालते हैं और जब बारिश होती है तो वो सारा बहकर जब नदियों में जाता है तो वो केमिकल्स इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी तरह से नदियों में तो पहुंच ही रहा है। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ वेस्ट, जो उसमें सारा इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट हम नदियों में छोड़ देते हैं, उससे भी हमारा जो फ्रेश वाटर है वो गंदा हो रहा है। उसके बाद है जो मेटल्स या पेस्टिसाइड्स जो हम डालते हैं नालियों में, वो फिर दोबारा हमें जब रिवर्स में जाती हैं वो, तो फ्रेश वाटर को गंदा करती हैं। बहुत सारे वेस्ट ऐसे होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो भी हमारे रिवर वाटर को गंदा करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जितना भी है जो हमारा फ्रेश वाटर है वो गंदा होता है और हमें उसको संभाल कर रखना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब हमने रीजंस तो देख लिए किन रीजंस की वजह से जो हमारा फ्रेश वाटर है वो ख़राब हो रहा है, कंटेमिनेट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि हम उसको कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको अच्छे से ट्रीट करके, यानी कि उसके जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हटाने के बाद, उनको ख़त्म करने के बाद ही उनको वाटर बॉडीज़ में छोड़ना चाहिए। दूसरा है हमारे जो जंगल है या जो हमारा ग्रीन वेजिटेशन है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि यही एक ऐसा सोर्स है जो बारिश के पानी को बचा के रखता है और जिससे जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है। इसके साथ हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। जब बारिश का सीज़न होता है तो बारिश के दिनों में हम जितना ज़्यादा बारिश का पानी स्टोर करके रख सकें वो बहुत अच्छी बात है, और बाद में हम चाहे उसको इरिगेशन के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक और बहुत अच्छा यहाँ पे दिया गया है आइडिया कि हमें जितना भी जो रेन वाटर है उसको एकदम से बह जाने से रोकना है। जितने भी स्लोप हिल्स हैं या जितने भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कि हमें स्लोप देखने को मिलता है और वहाँ बारिश भी अच्छी होती है, तो वहाँ से जो बारिश का पानी वो एकदम से बह के समंदर में चला जाता है, नदियों में चला जाता है, तो हम उसको एकदम से बहने से रोकें और उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखें। जो अब हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर किसी पर्टिकुलर सीज़न में ही बारिश होती है और उसके बाद फिर वहाँ पर पूरा जो साल होता है वो ड्राई रहता है, तो ऐसे एरियाज़ में हम रेन वाटर कैनाल्स बना सकते हैं कि जब बारिश हुई तो हम कैनाल्स में वो बारिश का पानी इकट्ठा कर लें और बाद में उस पानी का इस्तेमाल हम चाहे इरिगेशन में चाहे अपने पर्सनल यूज़ में ला सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे है कि अगर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पानी की वैसे ही शॉर्टेज है तो वहाँ पर हम इरिगेशन के लिए स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम पाइप के थ्रू वहाँ खेतों में पानी छोड़ देते हैं तो वो पानी बहुत ज़्यादा एकदम से बह जाता है और इवेपोरेशन के थ्रू उड़ जाता है, लेकिन जो स्प्रिंकलर होते हैं या जो ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम है उसके थ्रू हम पानी के ज़्यादा इवेपोरेशन को बचा सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हर इंसान कर सकता है, वो है
स्टॉप सीपेज और लीकेज ऑफ टैप्स, यानी कि हम अपने पर्सनल लेवल पर कर सकते हैं। हर इंसान अपने घर में ये देखे कि उनके यहाँ कोई नलका या कोई पाइप टूटा तो नहीं हुआ है, टपक तो नहीं रहा है। अगर हम ये छोटे छोटे से स्टेप्स भी उठाएंगे तो भी हम वाटर की शॉर्टेज को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये हमारा इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये लेसन। तो जितना भी हमारा नेचुरल वेजिटेशन है या जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, वो एग्जिस्ट करते एक बहुत ही नैरो जोन में, जो किनके बीच में है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर, इन तीनों का जो मिक्सचर है, जहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा जोन है जहाँ पर कि हमें नेचुरल वेजिटेशन या फिर वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। और इस नैरो जोन को हम कहते हैं बायोस्फेयर। इस बायोस्फेयर में हमें सारी लिविंग बींग्स देखने को मिलती हैं, और इस जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो सारी आपस में इंटर रिलेटेड हैं और सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। अपने सर्वाइवल के लिए, यानी कि हमें ज़िंदा रहने के लिए, सभी को एक दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, सभी एक दूसरे पर डिपेंड हैं अपनी जीवन शक्ति के लिए, अपने ज़िंदा रहने के लिए। और जो ये इंटरडिपेंडेंसी है, इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब ये भी हम जानते हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, जैसे टिम्बर है यानी कि लकड़ी है, ऑक्सीजन, फ्रूट्स, वेजिटेबल एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हमें अपने पौधों से मिलती हैं। इसके साथ साथ जितने भी एनिमल्स हैं उनको शेल्टर भी प्लांट्स ही प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ जो हमारे पेड़ पौधे हैं, हम ये भी जानते हैं कि वो हमारे सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, सॉइल इरोजन को होने से रोकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी बहुत ही एक ज़रूरत है हमारे खाने की, यानी कि जो हमारी फसल है, वो भी हम सॉइल में ही उगाते हैं। अगर सॉइल नहीं होगी तो हमारे पास फसल भी नहीं होगी, और जो हमारा जीवन है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। साथ ही प्लांट्स और जो ग्रीन वेजिटेशन है, वो हमें हेल्प करता है अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में भी। जितना भी हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रीन वेजिटेशन की वजह से ही है हमारे पास। साथ ही प्लांट्स हमें और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल है, गम है, मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं बहुत सारे जो हमें मेडिसिंस देते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो हमारे प्लांट्स हैं या जो हमारा ग्रीन वेजिटेशन है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये हमें रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे, जैसे अगर मान लीजिए हम पेपर की बात करें, तो पेपर हमें पेड़ पौधों से ही, जो पल्प मिलता है पेड़ों का, जो सॉफ्ट पल्प है, उससे पेपर बनता है, ये हम जानते हैं। साथ ही जो हमारा फर्नीचर है, हमारे घर में अगर आप एक नज़र दौड़ा के देखें तो वुडन वर्क बहुत मिलेगा आपको, वो सारी लकड़ी हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। तो अगर हम शॉर्ट में देखें तो पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब है नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम जानते हैं कि ये पेड़ पौधे, ये जानवर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हमें इनको बचा के भी रखना है। फॉरेस्ट्स आर वेनिशिंग फास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। हम जानते हैं कि जंगल बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में ख़त्म होते जा रहे हैं, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है दुनिया की, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ये हम डिटेल में कर भी चुके हैं अपने पिछली वीडियोज़ में। फॉरेस्ट है वो हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेल्थ है, यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती। साथ ही जो फॉरेस्ट है और जो एनिमल्स हैं, ये दोनों मिलकर हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जंगल बढ़ गए दुनिया में तो भी गड़बड़ हो जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा एनिमल्स हो गए दुनिया में तो भी गड़बड़ हो जाएगी। दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक जो इकोसिस्टम है हमारा, उसको मेंटेन करके रखते हैं। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमने जो अपना नेचुरल वेजिटेशन है, जो हमारे जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ है, उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं, हम उसको ख़राब करते जा रहे हैं। तो देखते हैं कि रीजंस फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से कि जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है या जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, वो डिस्टर्ब हो रही है। तो सबसे पहला, क्लाइमेट चेंज, यानी कि मौसम की मार की वजह से हमारा जो क्लाइमेट है, हम देख रहे हैं आजकल के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, यानी कि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा बदल रहा है। गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, हमारे ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। तो ये सभी कुछ क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है और जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, दोनों ही डिस्टर्ब हो रही हैं। उसके बाद है ह्यूमन इंटरफेरेंस, ये तो हम सब जानते ही हैं कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से भी जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है, वो कहीं ना कहीं हार्म होती है। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी जो एक नेचुरल हैबिटेट होता है किसी भी प्लांट का या किसी भी एनिमल का, कि वो उसी
पर्टिकुलर नेचुरल हैबिटेट में ही ग्रो कर सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की, के जो कि बिल्कुल ही अब एंडेंजर्ड या कहें कि एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुंच चुकी हैं। हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, सॉइल इरोजन होता जा रहा है, जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से हम अपने फॉरेस्ट को भी ख़राब करते जा रहे हैं। बहुत बार फॉरेस्ट में फायर हो जाती है, यानी कि आग लग जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सुनामी आ रही है बार बार, लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो ये बहुत सारे मेजर कंसर्न हैं जिनकी वजह से कि हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है, पोचिंग हो रही है। बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी स्मगलिंग की जाती है, एक देश से दूसरे देश में या एक प्रांत से दूसरे प्रांत में इलीगली उनको भेजा जाता है, बेचा जाता है। तो पोचिंग भी बहुत सारे एनिमल्स की हो रही है, वो उनकी स्किन के लिए, उनके चमड़े के लिए, उनके नेल्स, उनके टीथ, उनके हॉर्न्स, उनके फेदर के लिए इलीगल तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर इन एनिमल्स को भेजा जा रहा है। जैसे टाइगर है, एलिफेंट्स, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसीरस, ऑस्ट्रिच और पीकॉक, ऐसे बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स हैं जिनकी पोचिंग हो रही है। बहुत सारे बर्ड्स भी हैं, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनकी की इलीगल किलिंग हो रही है, उनके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रही है, और अब हमें इसे कंजर्व करने की, बचा कर रखने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे स्टेप्स हमें उठाने पड़ेंगे अपनी इस वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं इन पर डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए सरकार ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि नेशनल पार्क बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। जितने भी नेशनल पार्क होते हैं या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो हर कंट्री अपने देश में बनाती है। उसके अलावा जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं ये भी हर कंट्री अपने देश में बनाती है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व्स में एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंटरेक्ट करके और आपस में बातचीत करके एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहती है कि हमने किस तरह से इनको और इम्प्रूव करना है। साथ ही साथ जितने भी जो हमारी लेक्स हैं या जो हमारी खाड़ियां हैं, जो जितने भी हमारे वेटलैंड्स हैं, हमें उनको भी बचा के रखना है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ नमी नहीं होगी, अगर वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो वैसे ही बहुत सारे पेड़ पौधे तो ख़त्म हो ही जाएंगे। इसके साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाने बहुत ज़रूरी है फॉरेस्ट्री के बारे में, लोगों को इसके बारे में जागृत करने के लिए। जैसे अब इंडिया में चलाया जाता है वन महोत्सव, लोगों को जागरूक किया जाता है कि वन महोत्सव है क्या, हमारे लिए फॉरेस्ट्री कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जंगल हमारे लिए कितने ज़्यादा यूज़फुल है, किस तरह से वो ना केवल हमारे जानवरों को प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें ही प्रोवाइड कराते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अवेयरनेस जागृत करना ही बहुत ज़रूरी है। जो आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि वन महोत्सव नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया गया है सरकार के द्वारा, जिसके थ्रू ये अवेयरनेस फैलाई जाती है। इसके अलावा जो नेचुरल कैंप्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो लगाए जाने बहुत ज़रूरी हैं। स्टूडेंट्स को इनक्रेज करना बहुत ज़रूरी है कि वो नेचर के करीब जाएं और समझें कि नेचर क्या चाहती है, किस तरह से हम नेचर को बैलेंस कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने लॉ भी पास किया है इसके लिए कि कौन कौन से बर्ड्स या कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनकी किलिंग प्रोहिबिटेड की गई है, यानी कि बैन कर दी गई है, कुछ पर्टिकुलर बर्ड्स की, कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स की, उनको आप उनका शिकार कर ही नहीं सकते हैं। इंडिया में भी अगर हम बात करें तो लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और पीकॉक की हम जानते हैं कि किलिंग को बैन कर दिया गया है। हम देखते हैं CITES मीन्स द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये एक एग्रीमेंट है जो बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के बीच हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर, और इस पर साइन करने वाली सभी कंट्रीज़ ने माना है कि जितने भी इसमें CITES ने एक लिस्ट निकाली है कि उसमें कितने एनिमल्स और कितने बर्ड्स या कितने ट्रीज़ हैं जो कि एंडेंजर्ड हैं, तो उनका शिकार जिन जिन कंट्रीज़ ने इस पर साइन किए हैं उन कंट्रीज़ में नहीं होगा। यानी कि इस CITES पर साइन करने वाली कंट्रीज़ ने ये माना है कि वो इन रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगी और अपनी कंट्रीज़ में इस तरह का कोई भी काम नहीं होने देंगी या किसी भी एनिमल को हर्ट नहीं होने देंगी जो CITES की लिस्ट में आता है। रफली इसमें उन्होंने 5000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और 28000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया है CITES ने, जिसमें बहुत सारे बर्ड्स और बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे कि बियर, डॉल्फिन्स, कैक्टी, कोरल्स और बहुत सारे और भी इसमें आते हैं एनिमल्स जिनको कि CITES ने प्रोटेक्ट किया है, और बहुत सारी कंट्रीज़ ने
इस पर सिग्नेचर करके इनके रूल्स को माना भी है और अपनी कंट्रीज में उन रूल्स को अपनाया भी है। इसके साथ ही हमारा इस लेसन का ये क्विक रिकैप ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना नेक्स्ट लेसन। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।